वेलकम टू यूट्यूब स्टडी माई सेल्फ दिनेश यादव। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10 विज्ञान मॉडल पेपर 2020 का सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए इसमें मैं विज्ञान मॉडल पेपर 2020 का सोल्यूशन यानी कि आपको खंड क का करा चुका हूं। देख सकते हैं यहां पे मैंने अभी ट्रिक लगाकर सब कुछ यहां पे वीडियो बनाकर अभी तुरंत पढ़ाया, अभी आधे एक घंटा हो रहा है। अगर आप इसे नहीं देखें तो तुरंत जाइए और यहाँ से आई बटन पे क्लिक कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहां से देखिए। लेकिन आज की इस वीडियो में खंड ख को समाप्त करेंगे और जल्दी फिर वीडियो आ रही है, तो आपके लिए मैं पूरा तैयारी के लिए तत्पर हूँ। तो आपको करना क्या है, पूरा इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी बच्चों को जा सके और मैं आपके लिए काफी वीडियो ला सकूं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ की खंड ख में जो आपका केमिस्ट्री है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। बिना टाइम पास किए ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी बहुत सारी वीडियो आएगी आपके लिए। देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 लिखा है इसमें कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व तो कौन सा हो सकता है। तो फिर से एक बार समझिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला, कौन सा गलनांक जी, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती यानी कि बनाती है, यह यौगिक जल में विलेय हो जाता है यानी कि मिल जाता है, तो ये कौन सा तत्व तो होता है। तो आप जानते हैं कि कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो देखिए आप कैल्शियम को अगर उच्च धातु को गलनांक पर उसको यौगिक बनाएंगे तो एक निर्मित हो जाएगी यौगिक में, और जब यौगिक बनेगी तो हम अगर उसे देखें तो यौगिक को जल में विलेय करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक तत्व के रूप में कैल्शियम प्राप्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए नंबर जो करेक्ट है। इसके बाद में ख नंबर देख सकते हैं, अपच लिखा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो आप देख सकते हैं कि एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, लिखा है कि एनाजेसिक पीड़ाहारी, अब लिखा है तीसरा कि एंटासिड, और चौथा है कि एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। तो आप देख सकते हैं कि अपच का उपचार, जो भी अगर आप किसी भी चीज को भोजन करते हैं तो आपको पच नहीं पाता है, तो नहीं पचता है उसी को अपच बोलते हैं। तो अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का यूज किया जाता है, तो एंटीबायोटिक औषधि, जिसको प्रतिजैविक बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करना है क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्तों की संख्या, मतलब कुल आवर्तों की संख्या पूछा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल आप जानते होंगे कि 7 होती है, जो बच्चा अभी नहीं जानता है वो भी जान जाए कि 7 होती है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है 6 नंबर का क ख ग करना है, दो दो नंबर वाले हैं। लिखा है कि थर्मिट अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया सहित उदाहरण दीजिए, थर्मिट अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में क्या करना है, उसको बताना है। तो आप देख सकते हैं लिखा है यही क्वेश्चन कि थर्मिट अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे कि थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट प्रक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, समझिए इसको कि थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट प्रक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें एक धातु ऑक्साइड अधिक, लिखा है अधिमानतः पिघला हुआ, मतलब अधिमाना मतलब अधिक से अधिक पिघला हुआ, एक और पिघला हुआ धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है जो धातु ऑक्साइड की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। क्या होता है, प्रतिक्रियाशील, जिसे बहुत अधिक गर्मी निकलती है, क्या निकलती है, अधिक गर्मी निकलती है। अब देखिए जैसे कि इसको रिएक्शन करेंगे कोई एग्जांपल लेकर, तो देखिए 2Ls प्लस Fe2O3S से जब रिएक्शन कराया जाएगा यानी कि इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो ये होगी बड़ी, क्यों, तो आप देखिए 2Fe2FiS प्लस Al2O3S और प्लस जो हमारा 850 किलो जूल है, ये मोल प्रति से क्या होता है, मतलब जोड़ा जाता है, तभी हमारी जो अभिक्रिया हो पूर्ण होती है। तो आप अगर केमिस्ट्री अच्छे से जानते होंगे तो इस सभी अभिक्रिया को, रिएक्शन को संतुलित भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आप इतना याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें क्या पूछा है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर को स्पष्ट कीजिए, यानी कि उदाहरण के साथ इसको बताना है, ठीक है ना, मैं अपने से समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, आप टेंशन नहीं लीजिए, ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आएगा, देख लीजिए दोस्त, संतृप्त असंतृप्त वाला जरूर आता है,
संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए विद इसका एग्जाम्पल के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इसके उत्तर की संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच मुख्य अंतर यह है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक क्या बोलेंगे एकल सह संयोजक बंध होते हैं। क्या होते हैं जब हम हाइड्रोकार्बन में संतृप्त में देखें तो परमाणुओं के बीच केवल एकल सह संबंध होते हैं। जहां तक असंतृप्त का हाइड्रोकार्बन में मुख्य श्रृंखला में कम से कम एक डबल या ट्रिपल सह संयोज बंध होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मेथेन एथेन देख सकते हैं मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन इत्यादि ये सभी हमारे क्या है एकल सह संयोज बंध कहलाते हैं। और जैसे कि देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि मैथिल एथिल प्रोफाइल ब्यूटिल इत्यादि तो आप देख सकते हैं ये सभी हैं डबल एवं ट्रिपल सह संयोज बंध देते हैं। तो आप दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ भी आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें ग नंबर लिखा है इसका कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत तथा इसकी सीमाएं लिखिए। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत और इसकी सीमाएं पूछा है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा और इसका लास्ट में मैं इसका पीडीएफ भी दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत तथा इसकी सीमाएं लिखिए। तो ये है इसका आंसर कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म, ध्यान समझिए कि प्रत्येक आठवें तत्व जो है उसके गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। यानी कि जितने भी आठवें तत्व के गुणधर्म होंगे उतने पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होंगे। अब देखिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत की सीमाएं देख सकते हैं, एक अष्टक तक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू था, कैल्शियम तक ही लागू था, यानी कि एक से लेकर अष्टक से कहां तक केवल कैल्शियम तक ही लागू था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें में मतलब आठ में तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के से नहीं मिलता है, इसीलिए यही होता है। आगे देखिए इसमें और एक है कि न्यूलैंड्स, देखिए दो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल हल्की तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। तो ये हो गया इसका आंसर। आप बोर्ड एग्जाम में आए तो ऐसे आसानी से लिख लेना, ठीक है। आगे की बात करता हूँ, क्वेश्चन आपका आगे क्या पूछा है, यानी कि छह का क ख पढ़ लिए जो कि दो दो नंबर के थे। आगे क्वेश्चन सेवन नंबर, अगला क्वेश्चन सेवन नंबर का क है कि निम्नलिखित यौगिकों के JUPAC नाम, यहाँ पे जे नहीं है IUPAC नाम होता है, आई है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, IUPAC नाम लिखिए, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि दो नंबर का ये क्वेश्चन होता है, एक है एक नंबर का और एक है एक, यानी कि दो है दो नंबर का। तो सिंपल सा आप समझिए कि CH2 डबल बॉन्ड और CH सिंगल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड CH2 इसका पूछ रहा है कि IUPAC नाम बताइए। तो देखिए इसका IUPAC नाम बता देता हूं मैं, इसका देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे कि यहाँ पर पहला का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि ब्यूट 1 और यहाँ पर 3 डाई इन, ये होता है ब्यूट 1-3 डाई इन, जो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो हमारा डबल बॉन्ड का पहले और तीसरे का है। तो 1 और 3 देखिए ब्यूट 1-3 डाई इन एल्केन और एल्किन का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें दूसरा है कि CH3 और देखिए CH3O यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, CH3 सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 का IUPAC नाम बताइए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका IUPAC नाम होगा 3-methyl, यहाँ पर बताएंगे 3-methyl एक्थाइसी ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। अगला क्वेश्चन आपका ख नंबर, इसमें देख सकते हैं क्या लिखा है, एथेनॉल से, देखिए एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को आक्सीकृत अभिक्रिया क्यों कहते हैं, रासायनिक समीकरण सहित स्पष्ट कीजिए, जो कि दो नंबर का आता है। समझिए क्वेश्चन को कि एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को आक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं और एग्जाम्पल इसका रासायनिक समीकरण के साथ बताना है। तो चलिए देखते हैं, तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर है
कि एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल के परिवर्तन की क्रिया में ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। समझिए, एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में पर जब परिवर्तन किया जाता है क्रिया करके, तो ऑक्सीजन का जो संयोग होता है वो तथा हाइड्रोजन का जो होता है वो क्या होता है, ह्रास होता है, मतलब कमी होती है। अतः इस अभिक्रिया ऑक्सीजन कहा जाता है, मतलब यह अभिक्रिया जो होती है क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, राइट। इसका एक एग्जाम्पल भी कहा था, CH3CH2OH+2O। आप देख सकते हैं जब इसके साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है तो CH3 और COOH+H2 जो जल के साथ मिलकर अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है ना, लिखा है 8 नंबर का, कहो कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 7 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है हर साल। तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों में दहन, इस पर एक टिप्पणी लिखेंगे, इस पर भी लिखेंगे फुलेरिन, और ये तीसरा है जो आपका संरक्षण है, संक्षारण है, और चौथा जो है विकृत गंधिता। आप इन चारों पर लिखिएगा, या अथवा में जो दिया है इन पर भी लिख सकते हैं, जैसे कि मिसेल पर, हीरा तथा ग्रेफाइट की रचना पर, और अवक्षेपण पर अभिक्रिया, और रेडॉक्स अभिक्रिया, इन चारों पर लिख सकते हैं जो याद होगा, या अथवा में जो ये वाला है इस पर भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इन चारों पर मतलब सभी को बता देता हूँ, याद कर लेना और साथ में पूरा इसको देखते रहना। तो पहला आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि कार्बनिक यौगिक में दहन, यही ना टिप्पणी लिख रहे हैं इस पर। आप ऐसे ही एग्जाम में भी लिखना, जैसे कार्बन अपने सभी अपरूप में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल, देखिए जलकर उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एक बार फिर से समझिए कि कार्बन अपने सभी अपरूप, जो कार्बन हमारा है सी, मतलब कार्बन अपने सभी अपरूप में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन जब उपस्थित रहता है तो उसी में जल का उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बनाता है। और हीरे ग्रेफाइट एवं फ्लोरीन की स्थिति में देख सकते हैं, में ये पूर्ण रूप से जलकर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, क्योंकि ये कार्बन का शुद्ध क्या है, रूप है, जो कि हमारा C हो गया कार्बन प्लस O हो गया ऑक्सीजन, यानी C+O2, यानी कि CO2 प्लस हीट प्लस लाइट, यानी कि उष्मा देती है और प्लस में क्या देती है, ऊर्जा देती है। यही आपका क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक का दहन कराया जाता। तो इस पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना था। आगे इसमें देखिए लिखा था कि फ्लोरीन का एक बताइए एग्जांपल, यानी कि इस पर टिप्पणी कीजिए। तो देख सकते हैं फ्लोरीन, या इसी को फ्लोरेन कहते हैं इंग्लिश में, फ्लोरेंस मतलब फ्लोरेन ऐसे लिखते हैं, राइट। अब देखिए, फ्लोरीन कार्बन का बहुत ही उपयोगी अपरूप है। ध्यान समझिए कि फ्लोरीन कार्बन का बहुत ही उपयोगी अपरूप है। कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से षष्ठफलाकार या पंचभुजाकार रूप में जुड़कर एक पिंजड़ा की रचना बनाते हैं। समझ सकते हैं, जैसे कि इसे मतलब कि 1915 ईस्वी में राइच विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.E. इस्माइली तथा उनके सहकर्मियों द्वारा बनाया गया था। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1916 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो आप इन पर टिप्पणी, दो पर मैं बता दिया, तीसरा आप देख सकते हैं क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि संक्षारण क्या है, संक्षारण पर। तो आप चलिए संक्षारण का इसका हम व्याख्या कर देते हैं, जिस धातुओं का संक्षारण, यानी कि धातुओं का संक्षारण ही हेडिंग होगा। तो देख सकते हैं कि रासायनिक क्रिया है, धातुओं का संक्षारण क्या है, रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है। क्या होता है, धातुओं का क्षय होता है और उनका ह्रास होता है। ह्रास मतलब वहां पे कमी होती है, धातुओं की क्षरण क्रिया, यानी कि क्षरण जो क्रिया है जिसमें यांत्रिक कारकों के फलस्वरूप धातुओं का ह्रास होता है, यहाँ पे कमी होता है। इस क्रिया से भिन्न भिन्न, यानी कि भिन्न होती है, अलग होती है धातुओं में संक्षारण वस्तु रासायनिक क्रिया अथवा वैद्युतासायनिक क्रिया के रूप में होता है, राइट। अब देखिए, मूल आधार के अनुसार उपयुक्त दोनों प्रकार की संक्षारण क्रियाएं मूल क्रिया की भिन्न अवस्थाएं हैं, ठीक है। इसमें आप इस तरीके से इसका आंसर रिप्रेजेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए लिखा है विकृत गंधिता, इस पर आपको बता देता हूं। देखिए, विकृत गंधिता अरुचिकर गंध और स्वाद द्वारा प्रभावित भोजन में वस्तुओं के अपचयन द्वारा
उत्पत्ति स्थिति को विकृत गणिता कहते हैं, इस तरीके से इसका डिफिनेशन लिख देंगे। और इसमें अथवा वाला जो दिया है आप देख सकते हैं, ये वाला अथवा वाला, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप इसको मतलब कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ दूंगा उसको डाउनलोड कर लेना, ये अथवा वाला। और ये जो आपका नौ नंबर ही यानी खंड ग, अभी मतलब सेंड कर रहा हूँ क्योंकि लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है और नेट बहुत स्लो चल रहा है यहाँ पे, अपलोड करने में लॉन्ग वीडियो देर हो जा रही है, बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, जल्दी ही ला रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि जल्दी से लाऊं, ज्यादा शेयर होगा लाइक होगा तो मैं जल्दी से लाने की कोशिश करूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।